हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल बी एस सी बी हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का जो कहानी है जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जो जॉन लेक्सवा के द्वारा लिखी गई है, इसके दूसरे भाग पर चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी का एक भाग पहले ही आ चुका है जो इससे पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं। मैं इस कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको फिर से याद दिला दूँ कि इस कहानी में क्या होता है। तो इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो जॉन नाम का एक लड़का है, जो अपने परिवेश में जाकर, अपने चारों ओर जाकर लोगों से बातें करता है, उन्हें पर्यावरण को सुधारने के लिए तरह तरह के उपाय बताता है। जैसे कि इस कहानी के भाग में आपने देखा कि वो मिस्टर विलियम्स नाम के एक बंदे के घर गया और मिस्टर विलियम्स को ये समझाता है कि आपको पत्ते जलाने नहीं चाहिए, आप उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, जिसका आप उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। तो मिस्टर विलियम्स ने उसका मजाक यह कहकर उड़ा दिया कि तुम्हारा बनाया हुआ कंपोस्ट पूरी गली में महकता है और वो नोज़ पॉल्यूशन फैलाता है, मतलब दुर्गंध करता है। तो इससे जिम को थोड़ा बुरा लगा और वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। वो फिर से प्रयास करने गया जिससे कि वो लोगों को मना सके पर्यावरण के विषय में कार्य करने पर। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग में, यहाँ से शुरू करते हैं हम। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ पर जो अगला किरदार है जिससे जिम मिलता है उसकी बात करते हैं। वो कहता है, माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावनाओं को ठेस पहुँची, बट दैट डजेंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन यह मुझे पुनः प्रयास करने से नहीं रोकेगी, नहीं रोक सकती है मुझे। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी, ठीक है। वो कहता है कि अब मैं मिस ग्रीनी के पास जाऊंगा कलेक्शन के लिए, पैसे लेने के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर के। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसने कहा है मिस ग्रीनी, उसने कहा कि मुझे उन्हें मिस ग्रीनी कहना पड़ता है, बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेज शी सेज सी डजेंट हैव चेंज टू पे मी, अगर मैं उन्हें मिस की जगह मिसेज कह दूँ तो वो कहेंगे कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये एक व्यंग तरह का है कि महिलाओं को अपनी उम्र जो है वो ज़्यादा बढ़ी हुई अच्छी नहीं लगती है। अगर आप किसी महिला को दीदी कहिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें, अगर उनको आंटी कह दीजिएगा तो बुरा लग जाएगा, आंटी की जगह दादी कह दीजिएगा तो और बुरा लग जाएगा, है ना, ये बात आपने अनुभव की होगी। तो इसमें भी यही बात है कि वो उसको मिस कहकर पुकारते हैं, मिसेस कहकर नहीं पुकारते, क्योंकि वो कहेंगे कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, बाद में आना, नहीं दूंगी पैसे अभी, ठीक है। तो इस तरह से उसको बिहेव करती है, तो यहाँ पर इसीलिए जिम जो है उनको मिस कहकर पुकारता है। शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, तो वो कर क्या रही हैं, ध्यान दीजिएगा, मिस ग्रीनी जो है वो क्या कर रही हैं, वो अपने घर के कचरों को उठाकर बाहर रख रही हैं ताकि मंडे को जो वीकली पिकअप आए, पिकअप गाड़ी जो आती है जो कचरा उठाने के लिए मंडे को आती है, वो उनके कचरे को उठाकर ले जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जिम निकला है सैटरडे को कलेक्शन के लिए, सैटरडे को कलेक्शन के लिए निकला है, सैटरडे संडे मंडे, तीन दिन वो कचरा बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। शी गोज़ अवे ऑन वीकेंड, और वो सप्ताह के अंत में मतलब संडे के दिन वो कहीं बाहर जाती हैं घूमने के लिए। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, तो इसीलिए कहते हैं कि सैटरडे और संडे को उनके इस बगीचे में रखा हुआ ये बड़ा सा 2 प्लास्टिक का बैग, इसका देखरेख हमें करना पड़ता है कि कोई जानवर जाकर, कुत्ता बिलाई जाकर के, गाय जाकर के उसको फाड़ ना दे, उसका कचरा फैला ना दे, इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा, मतलब जिम ने मिस ग्रीनी से उस कचरे के प्लास्टिक के थैले के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, तो मैं बस उस कचरे की ढेर की ओर देख रहा था, मैंने कुछ कहा नहीं, बस देख रहा था। तो देखिए मिस ग्रीनी उसको समझ गई कि वो कचरे की तरफ देख रहा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा, अभी तक तो कुछ बोला नहीं। तो देखिए वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं, शी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू इन माई लॉन, तुमने जो वो गम का रैपर छिलका फेंका है मेरे बगीचे में, उसे उठा करके उसे रखो उस प्लास्टिक बैग में, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, उसे उन दोनों में से एक प्लास्टिक बैग में डाल दो, इधर उधर कचरा मत फेंको। डिडेंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि गंदगी फैलाना नहीं चाहिए,
ठीक है, उसने डांटते हुए कहा कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, जबकि मिस ग्रीनी खुद जो है 2-3 दिन के लिए उस कचरे को बाहर रख रही थी, खुले में रख रही थी जहाँ पर जानवर उसे फाड़कर फैला देंगे। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग। तो जिम ने अपना क्रोध थोड़ा कंट्रोल किया और उस बड़े से प्लास्टिक के बैग में उसने अपना जो गम का रैपर था, छिलका था, उसे रख दिया। देन सी सेज, और तब वो कहती है, देखिए मिस ग्रीनी और क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि एंड देयर इज़ अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीश। इस शहर में एक कानून है कि जो कुत्ते हैं उन कुत्तों को बांध कर रखने का, सिकड़ में बांध कर रखो, फीते में बांध कर रखो, बांध कर रखने का नियम है, खुले छोड़ने का नियम नहीं है। तो वो और क्या कहती हैं, देखिए वो कहती हैं कि सो वाई इज़ योर्स ऑल ओवर द प्लेस, तो तुम्हारा कुत्ता हर बार इधर उधर क्यों घूमता रहता है। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मेसेस अप माई यार्ड, वो कुत्ता मेरे बगीचे को खोद देता है और मेरे आंगन को जो है बर्बाद कर देता, तहस नहस कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टियर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, और पिछले हफ्ते तो मिस्टर विलियम ने देखा था कि वो मेरे गार्बेज बैग्स को, इस कचरे के थैलों को फाड़ दिया था उसने। तो जिम को थोड़ा सा गुस्सा आया कि आप बाहर रखेंगे तो जानवर तो फाड़ेंगे ही, मेरा कुत्ता नहीं तो कोई आवारा कुत्ता ही फाड़ देगा। तो यहाँ पर बात हुई कि जिम जो है क्या करता है उसको, देखिए यह कहता है कि वेल आई से, मैंने कहा ठीक है, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, लेकिन मैंने इसके विषय में कुछ करने के विषय में नहीं सोचा, मैंने सोचा कि अब इसका कुछ करना नहीं है, छोड़ दो, जाने दो। देन आई सी सी इज़ पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, तो फिर मैंने अब सोचा कि प्लास्टिक बैग के बारे में कुछ तो नहीं बोलते हैं, एक काम करते चलते हैं। लेकिन मैंने क्या देखा कि वो जो है न्यूज़पेपर का ढेर जो है वहाँ लगा रही है, मतलब कि उस कचरे के प्लास्टिक के बैग्स के बगल में न्यूज़पेपर का जो बंडल है वो वहाँ रखती जा रही हैं। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद जो है, लिसन टू मिस ग्रीनी, यहाँ पर कहते हैं कि मिस ग्रीनी, मतलब उसको कहते हैं लिसन मिस ग्रीनी, मिस ग्रीनी मेरी बात सुनिए, आई से सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, उस पेपर्स को स्कूल के पिकअप के लिए कलेक्ट करके रखिए, अभी जमा कर करके उसको ऐसे मत फेंकिए, उसको रिसाइकल किया जा सकता है, पेपर्स तो रिसाइकल किए ही जा सकते हैं। तो वो कहता है कि उसको ऐसे मत फेंकिए, उसको रखिए, जमा करके रखिए, एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, उससे नए पेपर बनाए जा सकते हैं। और मैंने ये भी सलाह दी कि सेव एल्यूमिनियम कैंस टू, एल्यूमिनियम के जो कैंस हैं उसको भी संभाल कर रखिए, आप ऐसे मत फेंकिए, ठीक है, उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है, आप जानते हैं मेटल्स को रिसाइकल किया जा सकता है, पेपर को भी रिसाइकल किया जा सकता है। तो मैंने ये सलाह दी कि उसको ऐसे खुले में नहीं फेंकिए, वो ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पेड़ों को काटना पड़ता है इसके लिए, तो आप इसको संभाल कर रखिए, इसको रिसाइकल में दे दीजिएगा। तो मिस ग्रीनी क्या कहती हैं कि लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, मतलब वो पिछली बार जो स्कूल पिकअप आया था वैसा ही कुछ क्या, सी आस्क, When you said you would come and pick them up, but you never showed up. तुमने कहा तुम आओगे उठा करके उन्हें दे दोगे रिसाइकल के लिए, लेकिन तुम तो आए नहीं कभी दोबारा देखने के लिए, मुँह दिखाने भी नहीं आए कि तुम कब आओगे और उस कचरे को उसमें डालोगे। It's easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. और ये आसान है कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पेपर को फेंक देना, एक बड़ा सा ढेर लगा के फेंकेंगे तो थोड़ा अजीब लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके, रोज़ रोज़ करके, थोड़ा थोड़ा करके पेपर फेंक देते हैं, दिक्कत क्या है इसमें। तो आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, तो जिम जो है कहता है कि मैं थक गया उनको समझाते समझाते कि पर्यावरण के विषय में कुछ कार्य कर लें, प्लास्टिक बैग को ऐसे ना रखें, पेपर्स को रिसाइकल के लिए रखें, एल्यूमिनियम कैंस को ना फेंकें, लेकिन वो नहीं मानी। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, अब तब मैं जो है वहाँ से मैं परेशान होकर के चला गया मिस्टर जॉनसन के घर। He makes a run for his car, वो दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे, but I can run faster than he can, लेकिन मैं उनसे तेज़ दौड़ सकता था तो मैं उनके पास पहले पहुँच गया। इन प्रश्नों को हम आगे करेंगे, पहले आगे कहानी पढ़ लें। Just trying to get to the post office before it closed, वो बस ये कोशिश कर रहे थे कि पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले वो पोस्ट ऑफिस पहुँच सकें।
ही सेज हपिंग एंड पफिंग, वो ये बात जो है कहते हैं कब कैसे, तो वो हाँफते हुए उनका दम फूल रहा था और दम फूलते हुए वो ये कहते हैं कि बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो यू गॉट टाइम आई से, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास समय है, तो यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास समय है इतना कि आप जो है पैदल भी जा सकते हैं, इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, यहाँ से बस 2 चौक की दूरी पर तो है, वाई शुडंट टेक योर कार, यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू नीड नॉट डोंट नीड टू, जब आपको कार की ज़रूरत ना हो आप पैदल जा सकते हो तो उस समय गाड़ी मत लीजिए, आप पैदल ही जाइए, द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव्स ऑन गैस, आपका पैदल चलना एक अच्छा एक्सरसाइज है, पैदल टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है और ये आपका ईंधन भी बचाएगा एंड नॉट पॉल्यूट, और प्रदूषण भी नहीं करेगा, दैट्स इकोलॉजी, ये है पर्यावरण के लिए कार्य, आप इतना तो कर ही सकते हैं, वो 2 ब्लॉक की दूरी पर आप पैदल जाइए, क्यों गाड़ी क्यों फील बर्बाद करना, आप ऐसे जा सकते हैं। तो ये कहते हैं दे श्योर आर कि ठीक है तुम सही हो, आई से वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज, वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो जिम कहता है कि हम लोग जो है इस पेड़ के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ स्कूल में करते हैं, सीखते हैं, और आप भी इस, हम लोग हवा को और स्वच्छ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं आपके लिए, और आप जो है ईंधन जला करके उसको बर्बाद करते हैं। तो मिस्टर, देखिए मिस्टर जॉनसन के पास गया था, मिस्टर जॉनसन देखिए अब उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सी दैट्स देयर दैट्स ट्री दैट ट्री ओवर देयर, वहाँ एक पेड़ दिखाई दिया, ठीक है मिस्टर जॉनसन उसको कहते हैं कि वहाँ एक पेड़ है तुमको दिखाई दिया, देखो जरा वहाँ पे, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट इट एनी ट्री, तो वो उस जगह पर इशारा करते हुए कह रहे थे जहाँ कोई पेड़ था ही नहीं, ठीक है वहाँ पर वो इशारा करते हुए कहते हैं कि वहाँ देखो तुमको एक पेड़ दिखाई दिया, तो आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया, तो मिस्टर जॉनसन कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, हाँ बिल्कुल कैसे दिखाई देगा, एंड नो ग्रास आइदर, वहाँ तो कोई घास भी नहीं है, बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीनीज, मतलब मिसेस ग्रीनी के घर से आने के लिए तुमने एक शॉर्टकट रास्ता बना लिया उस रास्ते से, मतलब तुम मेन रास्ते से नहीं आकर के शॉर्टकट कूद करके आए और वहाँ का तुमने घास तक मार दिया, पेड़ तो दूर की बात है, देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, वहाँ पर एक छोटा सा पेड़ था जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था, बढ़ने की कोशिश कर रहा था, देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, लेकिन तुम वो तब तक ख़त्म हो गया जब तक तुम उस पर रोज़ जो है कूदने का प्रयास करते थे और उसको लात मारते थे, ठीक है तुम उसके ऊपर कूदते थे और उसको जो है तुमने मार डाला है उस पेड़ को, रिमेंबर, याद आया कुछ, ठीक है, मतलब मिस्टर जॉनसन उससे कहते हैं कि यहाँ इस रास्ते में एक पेड़ था जिस पर तुमने शॉर्टकट बनाने के चक्कर में उधर से कूदते गए, उसके ऊपर से जंप मारते गए और तुमने उसे अपनी ठोकरों से मार डाला, ठीक है। तो जिम को अब थोड़ा सा बात समझ में आया कि मिस्टर जॉनसन क्या कहना चाहते हैं, बोलते कि ओह ऐसे हो गया, ओह मैंने ऐसा किया, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग When you can walk, और तुम बात करते हो, मिस्टर विलियम कहते हैं कि तुम बात करते हो कि जब तुम हम लोग पैदल चल सकते हैं तो गाड़ी क्यों चलाएं, इसकी बात कर रहे हो ना मुझसे, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, समर सीजन में तुम अपने पीछे बगीचे में पीछे जो है अपना मोटर बाइक चलाते हो, एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और विंटर के सीजन में तुम बर्फ में अपना स्नो मोबाइल चलाते हो, Isn't that wasting power and making noise pollution? तो क्या इससे पावर बर्बाद नहीं होती है, बिजली बर्बाद नहीं होता, इससे ईंधन बर्बाद नहीं होता, इससे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, तो मिस्टर जॉनसन ने उसको डांटते हुए समझाया कि तुम जो ऐसे ऐसे करते हो, मोटर बाइक चलाते हो गर्मी में, ठंडी में स्नो मोबाइल चलाते हो, इससे बर्बाद नहीं होता ईंधन, और तुम हमको सिखा रहे हो कि ब्लॉक जाने के चक्कर में जो मेरा ईंधन बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर जिम कहता है कि बट इट्स ए फन, लेकिन इसमें मज़ा आता है ना, मज़े के लिए करते हैं, मतलब मिस्टर जॉनसन काम के लिए जा रहे थे तो काम के लिए उनको जाने नहीं दिया, लेकिन ये कहता है कि उसमें मज़ा आता है तो इसलिए मज़े के लिए हम गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, स्नो मोबाइल चलाते हैं। वेल आई इन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस,
तो मिस्टर जॉनसन ने भी कह दिया कि हमको गाड़ी को पोस्ट ऑफिस लेना ले जाने में मज़ा आता है, समझे, हमको वो करने दो। ही सेज बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन तुम्हारे इस बहस के चक्कर में आज हम बहुत लेट हो गए। ही गोज़ टू हाउस लुकिंग वेरी मैड, और वो पागलों की तरह अपने घर चले गए। देन आई रिमेंबर ही हैजंट पेड मी, तब मुझे याद आया कि उन्होंने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। बट आई डिसाइड टू वेट अनटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अगले सैटरडे तक का इंतजार कर लेते हैं, तब दे देंगे। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कम से कम मैंने उन्हें एक बार तो रोक लिया कि वो प्रदूषण ना करे अपनी गाड़ी से। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, और मैंने अपने रास्ते भर अब किसी से बात नहीं की पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इट्स अ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, और इस जगह पर लोगों को पर्यावरण के विषय में समझाना बहुत ही बोरिंग कार्य है, मुझे इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैंने किसी से और बात की ही नहीं। लेकिन अब देखिए घर तो जाएंगे ही, घर क्या होता है मिस्टर जिम के साथ में। बट वैन आई गेट होम, लेकिन जैसे ही मैं घर गया, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, मैंने माँ को देखा कि वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर रही थी। तो देखिए मैं क्या मतलब मिस्टर जिम ने क्या कहा, तो वो कहता है कि वाई शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। तो बोलते कि तुम अपने जो है वो उखरी समाट से या खल मुसल जो भी कहते हैं उससे तुम क्यों नहीं कर लेती मिलाने का काम, उस पर तुम भी कूटने का काम कर, मिक्सर में क्यों कर रहे हो, उसमें कर लो। आई पुट आउट टू हर, ये बात पॉइंट आउट टू हर, ये बात जो है मिस्टर जिम ने अपनी माँ से कह दी कि तुम जो है ऐसा क्यों करती हो, बिजली क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम ओखल में ये काम कर सकती हो, खल में कर सकती हो। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ। वुमेन यूज़ टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएँ बहुत सारे बिजली के उपकरण यूज़ करते हैं, बहुत बिजली बर्बाद करती हैं। ये बात जिम ने कह डाली अपनी माँ से, अब ध्यान दीजिए माँ तो माँ होती है। सी सेज इन अ वेरी क्लियर वॉइस, तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, सो हु वॉचेस टीवी 27 hours a डे अराउंड हियर, तो यहाँ 24 में 27 घंटा टीवी के देखता ही बताओ पहले, सबसे पहले। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये किसी और प्रकार की बिजली है। सो वॉट आई मीन नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, तो जिम कहता है कि अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी पर्यावरण के विषय में कार्य नहीं करना चाहता एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, एंड नोबडी लिसन्स टू मी, और कोई भी मेरी बात सुनता भी नहीं है। तो ये बातें थी जिम की, जो लोगों से वो बात करता है, लोगों को समझाता है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी बात किया, माँ से समझाया, लेकिन माँ भी उसकी बात नहीं मानती। तो ये कहानी थी मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेक्सवा के द्वारा, जो कि जिम नाम के बच्चे से रिलेटेड थी, और वो समझाता है सभी लोगों को, अपने पर्यावरण के लोगों को, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। ये कहानी बस इतनी ही थी फिलहाल के लिए, कल मैं इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आऊँगा, शॉर्ट क्वेश्चन की कोशिश करूँगा, वो भी आपके सामने आ जाएँ। और आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।